हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि साईं बाबा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या संदेश है कोई भी सिचुएशन के लिए, या उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे आज से 1 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद, एंड आई एम श्योर आपको उससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कल से एक नई वर्कशॉप शुरू कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 16th, एंड द वर्कशॉप नेम इज़ मास्टर योर 7 चक्रास। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से चक्रास वीक है बॉडी के, एंड उस पर कैसे छोटी छोटी टेक्निक से काम करना है कि आपके चक्रास स्ट्रेंथन हो। इसमें मैं एक फ्री चक्र क्लिनिंग सेशन दूंगी सभी को, जो यूजुअली अमावस या फिर पूर्णिमा को दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका थ्रोट चक्र वीक है या थ्रोट चक्र इंबैलेंस है या ब्लॉक्ड है, तो डेफिनेटली आपको थायराइड होने के चांसेस है। आप बहुत ओवरवेट हो सकते हो, बहुत अंडरवेट हो सकते हो, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बता नहीं पाते होंगे। अगर आपका हार्ट चक्र वीक है तो रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू हमेशा लगा रहा होगा, या फिर अभी तक रिलेशनशिप आपके स्मूथ और अच्छे नहीं रहे होंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मूलाधार चक्र वीक है, दैट इज रूट चक्र, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप हमेशा इनसिक्योर फील करोगे, आप हमेशा फियरफुल एनर्जी में रहोगे, हमेशा कोई ना कोई चीज़ का डर लगा रहेगा। अगर मैं ये कर लूँगी ये हो जाएगा तो, अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी ये हो जाएगा तो। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में बैठने से पहले ही आप डरते होंगे कि एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। दैट इज ऑल अ सिम्टम ऑफ वीक मूलाधार चक्र, वीक रूट चक्र। अगर आपका रूट चक्र वीक है तो डेफिनेटली मेजर पॉसिबिलिटी है कि आप इस एनर्जी में रहोगे। तो यहाँ पे मैं बहुत छोटी छोटी टूल्स एंड टेक्निक सिखाऊंगी आपको कि कैसे आपने अपने चक्रास को बैलेंस करना है एंड हील करना है, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं साई बाबा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। दृढ़ बनिए, पीड़ा, कर्म, कर्मों की शुद्धि, जीवन उद्देश्य, एंड बॉटम ऑफ द डेक है विकास। देखिए यहां पे ना मैं एक चीज जो समझ पा रही हूं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं। देखिए, अगर आपको थोड़ी सी एक्सटर्नल वॉइस आएंगे ना तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दिन के टाइम बना रही हूं तो सब सबका मूवमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी पीड़ा से गुजर रहे हो, किसी भी दर्द से गुजर रहे हो, किसी भी परेशानी में हो, इमोशनल परेशानी में हो, फिजिकल परेशानी में हो, या कोई बीमारी है, या कोई रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो ये सब ईश्वर के दिए हुए हैं। एंड ये सब ईश्वर के दिए हुए क्यों हैं? क्योंकि ईश्वर आपकी सोल को आगे ले जाना चाह रहा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है वो बहुत गलतियां करता है, पूरी जिंदगी भर गलती करता है, और जानबूझ के करता है, उद्देश्य से करता है, योजना बना के करता है, लेकिन जिस दिन उसके लाइफ में उथल पुथल होती है ना, उस दिन वो सब कुछ बंद कर देता है। अपने कर्मों वो फिर पॉजिटिव वे में लेकर जाता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है कि भगवान कैसे भी मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालो, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो। तो जब हमें तकलीफ होती है तो हम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, एंड वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले तो हमारा ईगो बहुत आसमान में रहता है। पीड़ा, ये जो आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, जिस भी तकलीफ से गुजर रहे हो, जो भी पीड़ा हो रही है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड, ईश्वर की मर्जी से हो रही है, इसमें आपका भला है। जो डिवोटीज होते हैं ना, देन हो कि अगर भगवान पीट रहे हैं, भगवान तकलीफ दे रहे हैं, तो उसमें भी भला उनका ही, इसी तरह आप भी समझ जाइए इसमें भी भला आपका है। दृढ़ बनिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, अपने काम नेकी से करते हो और किसी को दुख नहीं देते, किसी को तकलीफ नहीं देते, लेकिन आपका उद्देश्य सिर्फ अच्छा बनना नहीं है। हम धरती पे अच्छे बनने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपने कुछ गोल सेट करे हैं, ईश्वर आपको किसी तरफ ले जा रहा है, तो उस तरफ ध्यान दीजिए। जो आपने गोल सेट करे हैं वो अचीव करने के लिए आपको दृढ़ बनना पड़ेगा, मतलब अपना नींद, अपना सुख चैन त्याग के ही कोई दृढ़ बनेगा ना, उस चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ईश्वर आपको बता रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, एनीथिंग, वहां पे आपको दृढ़ बनने की जरूरत है, वहां पे आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ अच्छा बनने से काम नहीं होगा। एंड
यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि जो आप कार्य कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो, जिस भी तरह का आप कर्म काट रहे हो, वो आपके कर्म है, वो कोई सजा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में पनिशमेंट आ गई है या दुख आ गया है, तो वो मेरे लिए सजा है या पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट नहीं है, वो आपके कर्म है। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देते। आपके कुछ बुरे कर्म ही होते हैं जिसके कारण आपको पीड़ा भोगनी पड़ती है, जिसमें आपकी क्लिंजिंग होती है, और क्लिंजिंग होना बहुत जरूरी है। क्लिंजिंग होगी तभी आपके जो अच्छे कर्म है वो ऊपर आएंगे यहाँ पे, कि जैसे हमारे शरीर की क्लिंजिंग होती है, वैसे ही आपकी सोल की क्लिंजिंग भी होती है। तो यहाँ पे आपकी क्लिंजिंग हो रही है अगर आप बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर है कर्मों की शुद्धि। जितने भी स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जितने भी गॉड के, जिनको हम एंजल्स बोलते हैं, या फिर हाँ जिनको हम देवदूत बोलते हैं, एंजल्स बोलते हैं, इनका काम होता है, हम इनका काम वैसे तो बहुत सारा होता है, हमें हेल्प करना भी होता है, सपोर्ट करना भी होता है, लेकिन हमारी क्लिंजिंग करना होता है, हमारी कर्मों की शुद्धि करना होता है। तो हमारी कर्मों की शुद्धि एक्चुअल में करना हमें ही है, वो पीड़ा भोगनी हमें ही है। ये सिर्फ सपोर्ट देते हैं कि उसमें भी हम डगमगाए नहीं। जीवन उद्देश्य आपकी लाइफ का पर्पस है। आज जो भी वीडियो देख रहा है, मैं ये बता दूं आपके लाइफ का पर्पस है। आप नॉर्मल जीवन से कुछ हटके करने के लिए आए हो, और आप हो सकता है एक मेच्योर सोल हो, आप हो सकता है एक मेच्योर सोल हो, इसलिए आपके लाइफ का कुछ उद्देश्य है जो आपको पाना है, और हो सकता है वो पीड़ा से गुजर गुजर के आपके सोल को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो स्टार सीड्स होते हैं, अगर आप इनको गूगल में देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा स्टार सीड्स कौन होते हैं। ये दूसरे प्लैनेट के लोग होते हैं, इनको भगवान धरती पे भेजते ही इसलिए हैं कि ये धरती का उद्धार करें, लेकिन शर्त क्या होती है, ये धरती पे आके सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे केस में ना ये पीड़ा से गुजरते हैं, दुख से गुजरते हैं, तकलीफ से गुजरते हैं, ताकि लोगों की पीड़ा समझे। देखिए अगर आपके ऊपर दुख नहीं है ना, तो आप दूसरों का दुख नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर आपके ऊपर दुख है तभी आप दूसरों का दुख समझ पाओगे। ईश्वर इन्हें दुख देते हैं, ईश्वर इन्हें तकलीफ देते, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन दुख और तकलीफ भी देते हैं, ताकि ये दूसरों की पीड़ा समझे। एंड इनका जो उद्देश्य है, जिस जिस उद्देश्य से भगवान ने इनको भेजा है, उससे लोगों की मदद करे, उससे लोगों की हील करे। तो जो स्टार सीड्स होते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ काफी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, लोगों का उद्धार करना। जैसे भगवान इतनी बार अवतार लिए हैं धरती पे, उनका पर्पस क्या है, लोगों का उद्धार करना। ठीक है, तो उसी प्रकार स्टार सीड्स होते हैं, इसी प्रकार आपका भी कुछ ना कुछ जीवन का उद्देश्य है लोगों का उद्धार करना। और यहाँ पर टू वे है, टू वे है मतलब भगवान आपसे अपना पर्पस जरूर पूरा कराएंगे, लेकिन आपकी जो विशेष है उसको क्लियर रखिए, वो भी भगवान पूरा करेंगे। जैसे गॉड हमारे माता पिता होते हैं ना, जैसे भगवान हमारे माता पिता हमें बचपन में पनिशमेंट देते हैं कि हम सुधरे, गलत रास्ते पे ना जाए। इसी तरह भगवान भी हमें बार 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 कुछ ना कुछ अड़चने लाते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं। द रीजन बिहाइंड इट कि हम हमारे मार्ग से ना भटके, हम सही जगह जाए, हम गलत ना करें। तो इसलिए चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, देखिए हमारे कर्म हमें भोगने हैं, लेकिन आप फिर भी भगवान पे पूरा भरोसा रखिए कि जो वो एक शक्ति है, वो हमें कभी डगमगाने नहीं देंगी, हमें हमें हमारा हमें शायद सपोर्ट करेंगे। ठीक है, काफी अच्छे मैसेज है, काफी अच्छे मैसेज है। स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन की तरफ है, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने के लिए कहा जा रहा है पूरे इसमें। अब यहां से देख लेते हैं, यहां से क्या साईं बाबा आपको मैसेज देना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, वर्कोहोलिक, परफेक्शन, वेरी नाइस, सर्विस, पैशन, डिस्पोंडेंस, अबंडेंस। देखिए यहाँ पे मैंने जो बिल्कुल वही मैसेज है, जो भी सिचुएशन है आपकी, जैसी भी सिचुएशन है, चाहे लव हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, लव लाइफ भी किसी को आसानी से नहीं मिलती, उसमें भी बहुत अप एंड डाउन होते हैं, एंड वो अप एंड डाउन ईश्वर ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो ये परिस्थिति है, जैसी ये परिस्थिति है, ये है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, और ये चीज एक्सेप्ट करो, आपको पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको पता है आपका लाइफ गोल क्या है, फिर भी आप भटके हुए हो,
क्यों भटके हो आपको पता है। यहाँ पे ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं, बार बार यूनिवर्स आपको ये साइन दे रही है कि जो आप कार्य कर रहे हो करते जाइए, वर्कोहॉलिक बनिए, उसमें आपको और मेहनत करने की जरूरत है, आपको परफेक्शनिस्ट बनना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, ठीक है, अगर मेरे में परफेक्शन नहीं है, मैं कोई काम अपने ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मैं जस्टिस दे पाऊंगी? नहीं। तो यहाँ पे ईश्वर आपको यही बता रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड आपको पहचानेगा, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, परफेक्शनिस्ट बनो। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे अभी से, परफेक्शनिस्ट नहीं बनोगे, तो डेफिनेटली ये साइकिल बार बार रिपीट होंगी पीड़ा की, ठीक है। परफेक्शनिस्ट बनिए। और अब आप अगर किसी तरह के फिजिकल पेन में हो, इमोशनल पेन में हो, निराशा हो, वो सब ठीक है, वो सब रहेगा, वो सब रहेगा जब तक आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं करोगे। वर्कहोलिक बनिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने ऊपर काम करिए, ठीक है। अगर आपने देखा होगा हमारी कंट्री में कोई बड़े बड़े, जैसे नेवी हो गया है, या इंडियन एकेडमी हो गया है, या फिर आर्मी हो गया है, एयरफोर्स हो गया है, पुलिस हो गए हैं, इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़क क्यों होती है? इन पे इतना प्रेशर क्यों दिया जाता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कि ये उसमें बने, उसमें उसमें इनको समझ में आए, हर चीज़ की वैल्यू पता चले। इसलिए यहाँ पे आपको ईश्वर सिर्फ आप कोरिलेट करने की कोशिश करिए, अगर आप कर लोगे ना, तो आपको ये पूरे मैसेज मिल जाएंगे। एंड ये भी जो मैसेज है, ये पूरा वही बता रहे हैं कि आप, अगर आपको तकलीफ है वो रहेगी जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, बिकॉज दैट इज ऑल ये डिवाइन की तरफ से हुआ है। एंड डिवाइन ने आपको कुछ गलत रास्ते पे आप जा रहे थे, वहां से आपको मोड़ के डिवाइन सही रास्ते पे आपको लाई है, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करिए, आपको पता है आपका पैशन क्या है, लेकिन आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे या सही ढंग से काम नहीं कर रहे, तब ये परफेक्शन की एनर्जी है। अपने अपनी बारीकियों पे काम करिए। अगर मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मेरे को पूरी बारीकियां पता होनी चाहिए टैरो रीडिंग की। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे एक एक बारीकियां पता होनी चाहिए कि वास्तु दोष कहाँ है, क्या पे क्या परेशानी है, कौन सी डायरेक्शन खराब है, कौन सी डायरेक्शन अच्छी है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे को नंबरों में मेरा परफेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं नंबर देख के बता दूंगी कि किसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे ये ईश्वर आपको कह रहे हैं, आपकी लाइफ में भरपूर अबंडेंस आएंगे, ये भी ईश्वर आपको कह रहे हैं। सिर्फ ईश्वर की सुनिए, सिर्फ वो साइन की सुनिए, एंड बहुत इंफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में गैदर करिए। यहां से और देख लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अगेन बिल्कुल प्रोफेशनल काम आया है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, हार्डवर्क करिए और बहुत प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। मे भी हो सकता है आपने गॉड से मांगा हो कि मुझे बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो डिवाइन ने बिल्कुल देने की तैयारी करके रखी है, लेकिन आप मेहनत तो करो, अपने आप को उस लायक बनाओ ना। यहाँ पे ये डिवाइन आपको कह रही है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, स्किल्स डेवलप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, आपको स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, अगेन वही चीज है, पास्ट में जो पीड़ा मिली है, जो दुख मिले हैं, जो तकलीफ मिली है, उससे रुको मत, लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, विजन को होल्ड करो। आप डगमगा रहे थे ना बीच में, अपने उद्देश्य को देखिए, वही मैसेज है, जीवन उद्देश्य, होल्ड योर विजन, पैशन। आपने जो भी, आपके जो भी विजन है उसको होल्ड करके रखिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब चीजें आपकी फेवर में होने ही वाली है, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। एक लास्ट कार्ड और लेंगे, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। वही बात है, आप शायद अपने कम्फर्ट जोन में रह के बहुत काम कर रहे हैं, वहां से निकलिए, बहुत अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने आप को, वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मेहनत करिए बस अपने आप के ऊपर, डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे। थोड़े से एडजस्टमेंट की जरूरत है लाइफ में, मे भी हो सकता है आप बहुत कम्फर्ट जोन में आराम से सो रहे, आराम से उठ रहे, कुछ टाइम तक सब कुछ त्याग दीजिए और मेहनत करिए, रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, चाहे वो किसी भी वे में हो, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।